नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्या देखने वाले हैं? अब तक हमने छोटी ई की पहचान देखी। क्या देखी थी? छोटी ई की पहचान। तो आज देखते हैं बड़ी ई की पहचान। किसकी देखेंगे? पार्ट सात है हमारा और बड़ी ई की पहचान है। किसकी? बड़ी ई की पहचान। ये पहला भाग है। तो चलिए जानते हैं बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है और वो किस तरह व्यंजनों में लगती है। तो पार्ट सात है और बड़ी ई की पहचान किसकी है? ये बड़ी ई की पहचान। नाम बताओ। हम क्या करते हैं? पहले पाठ शुरू करने से पहले कुछ गतिविधि होती है। तो ई का चिन्ह बताइए हमें। पहले जानते हैं कि ये क्या दिया है, क्या कह रहा है। नाम बताओ तो जाने। क्या कहते हैं कि नाम बताओ तो जाने, यानी आपको क्या किया, एक पहेली दी है और उसका नाम बता लिखा है। तो क्या है, जब लिखना होता है तुमको इसको आपको, मैं बनती तुम्हारी सहेली, जितना काटो तुम सिर मेरा, मैं तो हूँ उतनी ही नरेली। बुझो तो क्या क्या है वो, क्या है? देखो आप उसको शार्प करते हो, फिर क्या होता है, हर बार वो न्यू ही लगती है। आप जितनी टोक उसको नोक करते हो वो क्या होती है, नवेली दिखती है। क्या दिखती है? नवेली। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है, अक्षर भी आपके बहुत अच्छे आते हैं। तो उसका इस पहेली का उत्तर क्या है? पेंसिल। क्या उत्तर है? पेंसिल। सीधी सीधी हो तो पानी देती, क्या देती? पानी देती। उल्टी होकर दिन बन जाती, उल्टी होकर क्या बन जाती? दिल बन जाती, दिन बन जाती। बुझो तो क्या क्या है इसका नाम? तो इसका नाम है नदी। देखो ये शब्द दिया है हमें, तो क्या बनेगा? नदी। ऐसे दो क्या थे हमें, पहेलियां थी जिसके उत्तर हमें वहां पर ही लिखने हैं। अब है छोटी बड़ी ई की पहचान। इसकी भी बड़ी ई की पहचान इस तरह का होता चिन्ह है। हमने जब पिछले बार जब छोटी ई की पहचान देखी थी तो कहाँ पर था उसका मुंह? इस तरफ था, है ना, मैं खड़ी हूँ उसके सामने था। अब इसका मुंह कहाँ है? मैं खड़ी हूँ उसके पीछे है। कहाँ पर है? पीछे। देखिए ऐसा एक डंडा लगाओ, फिर ऊपर कैसे है, आधा गोला है। तो चलिए जानते हैं आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेते। नीचे दिए गए स्वर ई को अनुरेखित, हमें क्या करना है, इसे अनुरेखित करना है। क्या करना है? अनुरेखित। ये जिसे जोड़ दिए तो ये क्या है, बड़ी ई है। कौन सी ई है? बड़ी ई है। और इसका चिन्ह कैसा है, एक डंडा और उसके ऊपर आधा गोला। पर उसकी वो काम में ये छोटी ई की कहा था, उसका मुंह छोटा ई का मुंह सामने था और बड़े ई का मुंह कहा था, कहा होगा, पीछे है। तो इस तरह से उसकी क्या लगती है, मात्राएं लगती है। इन शब्दों को आपको पाठ्य पुस्तक में क्या करना है, अनुरेखित करना है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। हमें क्या करना है, ये शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसे क्या कहते हैं, ये जो स में लगा है पैरों में उसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। ये कौन सी ई है? बड़ी ई। और जमा ट में क्या लगा है, हलंत। और ये कौन सी ई है, छोटी। तो क्या बना शब्द? इसके जो हमने चिन्ह देखा है वो कैसे लगेगा स्वर का, ये ई का चिन्ह कैसे लगेगा, इस तरह से, है ना। तो सी में लगा है देखो, और फिर जमा टी में भी कौन सी है मात्रा, ई की। तो क्या बना, चित्र में दिखाई दे रहा है हमें, क्या बनी, सी टी। क्या बनी? सी टी। अब है त जमा ई, त जमा अ, र जमा अ। तो क्या बनेगा, ई की कैसे होती है मात्रा, ये चिन्ह कैसा होता है, इस तरह का। तो फिर बना ऐसे, जमा त में कौन सी मात्रा लगी है, इस त में अ की मात्रा लगी है। इसकी अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। तो हम इसका क्या निकालेंगे, केवल हलंत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हलंत निकाल देंगे। अब र में भी क्या है, अ की मात्रा है। र में भी क्या है, अ की मात्रा है। तो र में भी क्या करेंगे, र लिखेंगे। अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। फिर क्या लिखता है, तीत। पूरा शब्द क्या बनता है, तीतर। ये चित्र दिखाई दे रहा है, वो क्या है, तीतर। फिर आगे है, आगे कौन है, देखो क्या बनता है शब्द, इसका नाम क्या है वो जानते हैं हम, च। इसमें क्या लगा है, हलन। फिर ई, कौन सी ई है, बड़ी। ऐसे कह के बोलना है, क्या कहना है, बड़ी। जमा त जमा आ, कौन सी मात्रा है ये, आ की। इसकी मात्रा है आ। तो क्या बनेगा, च की कौन सी मात्रा लगेगी, यह मात्रा लगी। फिर जमा त में कौन सी मात्रा लगेगी,
आ है तो क्या लगेगा, एक डंडा, क्या लगेगा, एक डंडा। तो पूरा शब्द क्या बना, चीता। इसे क्या कहते हैं हम, चीता। क्या कहते हैं, चीता। आगे देखते हैं, अब है दस खड़ी। हम जो हर पार्ट में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, दस खड़ी। अब देखो यहाँ पर भी बड़ी की मात्राएं लगी, यहाँ पर लगी है, यहाँ पर लगी है, यहाँ पर लगी। अब ये किस तरह से बोलते हैं ये देखते हैं, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, पी, बी, भी, मी, ई, री, ई, बी, डी, मी, ती, ठी, डी, धी, मी, पी, शी, शी, सी, घी, ची, त्री, घी, श्री। इस तरह से हमें क्या करनी है, 12 कड़ी बोलनी है और आपके इसमें लिखनी है, लेखन पुस्तिका में भी लिखनी है। आपको क्या लिखनी है, 10 खड़ी लिखनी है। क्या लिखनी है, 10 खड़ी आपकी लेखन पुस्तिका में लिखनी है। अब देखते हैं आगे, ये क्या कहा है, बोल बोल कर पढ़िए। हमें क्या करना है, ये बोल बोल कर किसके जोर से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, उसका क्या होगा, आवाज कैसे आती है, किस तरह से हमारी ये जो मुंह है कितना बड़ा फैलता है, कितना छोटा फैलता है और मात्राएं कैसी होती है, ये ध्यान में आएगा। सिप, क्या कहेंगे, सिप। मिल, तिल, तिली। दीपक, मछली। दीमक, बकरी। पतली, गठरी। की, साथी, हाथी। मकड़ी, ककड़ी। बगीचा, अलमारी। बातचीत, इमरती। इमरती यानी जिलेबी होती है। तो आगे देखते हैं, आगे भी क्या है, अब हमने छोटी की बड़ी की मात्रा कैसी देखी, कैसे बोले शब्द, वो आपको वो शब्द बोलने से क्या होगा, बड़ी की मात्रा समझ में आएगी। अब एक कविता दी है, हमें क्या दी है, एक कविता दी है, उसमें से हमें बड़ी की मात्रा को देखो, रंग रंग किया है, रंग रंग भरा है शब्दों में, जहां पर बड़ी की मात्रा लगी है वहां पर रंग भरा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, ऐसे जहां पर भी रंग भरा हुआ होगा वो कौन सी मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है। कौन सी है, बड़ी की मात्रा। नाना नानी एक किताब लाए, क्या लाए, नाना नानी, देखो चित्रों में दिखाई दे रहा है, नाना नानी जैसे आपके है ना, नाना नानी वैसे नाना नानी ने क्या लाए है, एक किताब। क्या लाए है, किताब लाए है। किताब पर खिड़की बनी थी, किताब पर क्या बनी है, खिड़की। क्या बनी है, खिड़की। खिड़की पर लड़की दिख रही थी, क्या दिख रही थी, खिड़की पर एक लड़की दिख रही थी। लड़की का नाम छबेली था, क्या था, छबेली था, क्या था नाम, छबेली। नानी मिठाई भी लाई थी, क्या लाई थी नानी, मिठाई। क्या लाई थी, मिठाई। मिठाई बड़ी मीठी थी, मिठाई कैसी थी, कैसी थी, बड़ी मीठी थी। छबेली मीठी मिठाई खाकर और पानी पीकर चली गई, क्या कहा, छबेली मीठी मिठाई खाकर और पानी पीकर चली गई। ये क्या है, कविता है। आपको इसको क्या करना है, कंठस्थ करके मम्मा या पापा को सुनाना है। इस तरह आज हमने क्या देखा, छोटी की पहचान, बड़ी की पहचान देखी। इसकी देखी बड़ी की पहचान, ये किस तरह का चिन्ह है, स्वरों में स्वर, स्वर का कैसा चिन्ह है और किस तरह से व्यंजनों पर लगती है, यह हमने जाना। इसके लिए आपको ज्यादातर क्या करना पड़ेगा, लेखन पुस्तिका में जो 10 कड़ी है वो बार बार लिखनी पड़ेगी। वो लिखने से क्या होगा कि आपकी जो चिन्ह किस तरह का है वो समस्या दूर हो जाएगा। बाय बाय।